तो दोस्तों, क्या आप भी थक चुके हैं YouTube पे सर्च मार मार के कि यू हैव टू फिक्स लैग इन टेंशन गेमिंग बड़ी 2 GB रैम पे सी और आपको सॉल्यूशन का नाम में कुछ नहीं मिलता है घंटा के बजाय बिना ग्राफिक्स कार्ड के। आप लोग इसे रन करने की कोशिश करते हैं, ये रन ही नहीं होता है बिना ग्राफिक्स कार्ड के या फिर क्या बोलते हैं उसे, बिना हाई एंड पीसी के। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारे टेंसेंट ने या फिर बोल सकते हैं पबजी लाइट के अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पे ये पोस्टर डाला ताजमहल के साथ अपना पबजी लाइट वाला। यानी कि इसका सीधा मतलब ये है कि पबजी लाइट जो है हमारे इंडिया पे जल्दी ही आने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस दिन ये रिलीज़ होगा, किस टॉपिक पर रिलीज़ होगा और इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या ये 2 GB रैम में रन कंपेटिबिलिटी है इसमें, क्या क्या इसके पूरे ए टू जेड हर चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा ए टू जेड देखते रहिए ताकि आपको ए टू जेड सब कुछ समझ आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारा प्यारा सा वीडियो। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इसके मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में। याद रखिए, मिनिमम होना चाहिए, यानी कि मिनिमम यानी कि बोले तो मीडियम सेटिंग्स में, यानी कि अच्छे ग्राफिक्स कुछ दिखें। अगर हम इसके ग्राफिक्स को लो कर दें तो आपको मिलने वाला है 60-70 FPS। तो मैं आपको सबसे शुरू अच्छे से बता दूं 2 GB रैम में कि कैसे वर्क करेगा ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इसका मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, आपको चाहिए 4 GB रैम, प्रोसेसर होना चाहिए i3 और जो आपका रैम मीन्स जो आपका विंडोज़ है वो 8.1, 8.10 कुछ भी हो सकता है, बट 64 bit होना चाहिए। 32 bit में ये चलने का नाम ही नहीं लेगा दोस्तों। और ग्राफिक्स होना चाहिए आपका, अगर ग्राफिक्स कार्ड है तो 750 Ti होना चाहिए, अगर नहीं है तो इंटेल HD के ग्राफिक्स में आराम से स्मूथली रन कर लेगा दोस्तों। इंटेल का i3 का आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन हो, कुछ भी हो, वर्क जरूर करेगा ये। ओके, कितना भी घटिया से घटिया प्रोसेसर हो, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पीसी में कोर टू डुअल प्रोसेसर भी है, यानी कि डुअल कोर प्रोसेसर है, तब भी ये वर्क करेगा दोस्तों। तो चलिए इसके और डब्बे स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो डब्बे स्पेक्स से इसके 2 GB रैम होना चाहिए, डुअल कोर प्रोसेसर होना चाहिए। दोस्तों, मैं इसका गेम प्ले कर चुका हूँ तब आपको बता रहा हूँ इतना सब कुछ मैं। और जो आपका जो ग्राफिक्स है, इंटेल HD होना ही चाहिए दोस्तों, इंटेल HD होना ही चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके रिकमेंडेड स्पेक्स के बारे में। तो इसका रिकमेंडेड स्पेक्स से रैम आपको चाहिए मिनिमम 8 GB रैम चाहिए और जो आपका ग्राफिक्स होना चाहिए वो आपका 2 GB तक का होना चाहिए, 2 GB का अप्रोक्स ग्राफिक्स होना चाहिए और आपका जो क्या बोलते हैं आपका जो प्रोसेसर है वो मिनिमम i5 होना चाहिए 5th जनरेशन। ये तो हुआ अपना हाई रिकमेंडेड स्पेक्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस गेम के रिलीज डेट के बारे में। तो दोस्तों, जिस हिसाब से तो इन्होंने जैसे ही पोस्ट डाला है, हमको लगता है कि ये आ जाएगा इस महीने के एंड में दोस्तों। आप लोग को 1 जुलाई से इसका जो है मिल जाएगा इसका सेल, और इसका सेल होने वाला है स्ट्रीम पे, और ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, बिल्कुल फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं स्ट्रीम से, बट आपको इसे डाउनलोड करना होगा। अगर आपको स्ट्रीम पे अकाउंट नहीं है तो जाइए स्ट्रीम पे अकाउंट बना लीजिए, और जैसे ही आता है आपका अकाउंट, उसके बाद जैसे पबजी लाइट रिलीज़ होता है आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि पबजी लाइट जो है हमारे सेल पे आ चुका है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और जाके आप इसे तुरंत ही डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बस दोस्तों। Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same.